एंग्लिस्टन। अगर 5 मेंबर रिंग रहेगा तो, और 5 मेंबर रिंग में इस कार्बन का अगर रेगुलर पेंटागॉन है तो कितना रहेगा, होना चाहिए था कितना, होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, बट ये कितना एंगल रहेगा, बड़ा गड़बड़ कहानी है रोशन कुमार। कैसे काम ये 72 भाई, कैसे आप लोग निकालते हैं, मुझे तो आप लोग का ज्योमेट्री समझ में नहीं आता है। हम लोग तो ऐसे निकालते थे, ये हो गया 72, तो 180 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 2 करते थे। आप लोग कैसे निकालते हैं, अलग निकालते थे क्या, तो 108 बाई 2 54 डिग्री, राइट। तो ये 54 रहेगा, तो ये भी तो 54 रहेगा, 72 कैसे होगा बताओ। तो इतना सब छोटा छोटा बात में अगर हम लोग फंस जाएंगे तो कैसे बड़ा बड़ा काम करेंगे। 72 यह वाला एंगल था, सेंटर पर वाला, राइट। तो ए होना कितना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट, बट है कितना, 108 डिग्री, करेक्ट। तो डिविएशन कितने डिग्री का, तो सर डिविएशन है 109 डिग्री 28 मिनट में से माइनस कर देंगे 108, कितना 1 डिग्री 28 मिनट, करेक्ट। तो एंगुलर स्ट्रेन कितना रहेगा, 1 डिग्री 28 मिनट और डिवाइडेड बाय 2, मतलब 44 मिनट का। इसका मतलब ठीक से 1 डिग्री का भी डिविएशन नहीं है अगर सही से देखा जाए तो, राइट। इसका मतलब है कि एंगुलर स्ट्रेन इज वेरी लेस, नहीं एंगुलर स्ट्रेन इज वेरी वेरी लेस। यहाँ देखिए, व्हाट अबाउट एंगुलर स्ट्रेन इन साइक्लोहेक्सेन, नॉट बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन बोल रहा हूँ। कितना हो जाएगा, तो सर होना तो चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, है 120, राइट। होना कितना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, बट है कितना 120, बट यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन है 0। वजह सर, इसका स्ट्रक्चर देखने से है साइक्लोहेक्सेन, बट ये अपने आप को इस तरीके से अपने स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करता है, दैट्स वाई एंगल ऑलमोस्ट एग्जैक्टली बिकम्स इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट। और साइक्लोहेक्सेन अपने आप को इस तरीके से तो अब यहाँ देखिएगा, इस यहाँ देखिए, इस पे क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इससे इसके बीच में भी और भी स्ट्रक्चर है, वो डीकेस में प्रॉब्लम मिलेगा, इस पे कभी हम लोग ज़्यादा बात कर लेंगे। एक इसको बोलते हैं बोट फॉर्म, कौन सा फॉर्म, इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म। तो मैं इस बोट फॉर्म चेयर फॉर्म के बीच में भी और सारा फॉर्म है, हाफ बोट फॉर्म हाफ चेयर फॉर्म, तो उसको छोड़िए अभी, इस पर बाद में बात करेंगे। बट एक्चुअल में साइक्लोहेक्सेन जो ऐसे देखने से लगता है, वो अपने आप को इस तरीके से इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है और इस तरीके से एडजस्ट करता है कि एंगल एग्जैक्टली बिकम्स इक्वल टू व्हाट, 109 डिग्री 28 मिनट। दिस इज द रीजन कि इसमें एंगल स्ट्रेन कितना हो जाता है, 0 फॉर्म।
बट एक चलते चलते एक ऑब्जेक्टिव बता देते हैं, चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म में चेयर फॉर्म का यहाँ देखिएगा, तो किसी चीज़ को आप ऐसे मोड़ कर, जैसे बायर ही है तो बायर को देखते हैं, अगर ऐसे घुमाते रहते हैं, घुमाते रहेगा बायर को, बायर को ऐसे घुमाते रहेगा, एक लोहे का वायर है ठीक है यहाँ, या ऐसे एक लोहे का वायर यहाँ पे फिक्स कर दीजिए और यहाँ पे एक डिस्क लगा दीजिए और इस डिस्क को घुमाते रहिए, तो इस वायर में एक स्ट्रेन आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। विच स्ट्रेन? टॉर्सनल स्ट्रेन, इट इज़ काइंड ऑफ टॉर्सनल। तो वैसे ही अगर हम लोग किसी चीज़ को एंगल स्ट्रेन को जीरो करने के लिए अगर चीज़ों को स्ट्रक्चर को रोटेट करते हैं तो इसमें भी एक स्ट्रेन रहेगा। तो उन सब बातों को हम लोग अलग से किसी क्लास में आपको बोर्ड फॉर्म चेयर फॉर्म के लिए बता देंगे, बट एक्चुअल में साइक्लोहेक्सेन अपने आप को इस फॉर्म में एडजस्ट कर लेता है किस चीज़ को जीरो होने के लिए, एंगल स्ट्रेन जीरो। तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कितना रहेगा स्टूडेंट, तो लेकिन दिखाने के लिए ऐसे दिखाते हैं बट ये ज़्यादा अपने आप को इन दोनों फॉर्म में रखता है, इन दोनों में भी इसमें ज़्यादा रखेगा, वजह चेयर फॉर्म। ये आपको ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ, चेयर फॉर्म का स्टेबिलिटी बोर्ड फॉर्म से ज़्यादा होता है ठीक है। तो लिख लीजिए, दिस वन इज मोर स्टेबल, दिस वन इज लेस स्टेबल। अब नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि थ्री मेंबर रिंग अगर चांस मिलेगा तो कितना मेंबर रिंग में जाना चाहेगा, फोर, और फोर मेंबर रिंग फाइव, और फाइव मेंबर रिंग सिक्स, लेकिन सिक्स मेंबर समटाइम्स फाइव मेंबर में भी आ जाता है, क्योंकि अब यह बात मैं पहले से ही बोल के रख रहा हूं ताकि वहां पे आप बोल सकें। तो देखिए सिक्स मेंबर और फाइव मेंबर में बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन का डिफरेंस है, इसलिए अगर सिक्स मेंबर से फाइव मेंबर में कोई एक्स्ट्रा फैक्टर अगर सपोर्ट कर दे तो सिक्स मेंबर फाइव मेंबर में कन्वर्ट हो सकता है। बट इन जनरल अगर हम लोग रिंग एक्सपेंशन का बात करते हैं, रिंग एक्सपेंशन का अगर चांस मिले तो थ्री मेंबर रिंग फोर मेंबर रिंग में जाएगा, और फोर मेंबर रिंग और फाइव मेंबर रिंग सिक्स मेंबर में, ठीक है ना। इसका मतलब सिक्स मेंबर से कम का जो रहेगा, सिक्स मेंबर से कम का जो साइज रहेगा उसमें क्या टेंडेंसी रहेगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का या रिंग एक्सपेंशन का, रिंग एक्सपेंशन का। एंड व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट इज एंगल स्ट्रेन राइट। करेक्ट ना, लिख ली इसको हटाए। जैसे सेवन मेंबर रिंग है, ए एंगल कितना रहेगा स्टूडेंट देखिए, तो रेगुलर हेप्टागोन का बात करते हैं तो दिस एंगल शुड बी व्हाट, हाउ मच द रफ में कैलकुलेशन कीजिए, तो वन ट्वेंटी नाइन रहना चाहिए मोटा मोटी। आप सेंटर पे का एंगल निकाल लिए, 360 को 7 से डिवाइड कर दिए राइट, मैं इस एंगल का बात कर रहा हूँ। देखिए तो ऑलमोस्ट ये एंगल
मतलब मोटा मोटी, यस मोटा मोटी ऑलमोस्ट 129 बोले अप्रोक्सीमेटली, तो होना कितना चाहिए था? होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, पर उससे ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या, ये अपने नेचुरल स्टेट में है या यहाँ पे एंगल का एक्सपेंशन हो गया? इसको हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेन बोलेंगे या एक्सपेंशन का स्ट्रेन बोलेंगे? एंगल स्ट्रेन है बट इट इज काइंड ऑफ कंप्रेशन का या एक्सपेंशन का? एक्सपेंशन का एंगल स्ट्रेन है राइट। तो इसमें इसमें भी डिविएशन हो रहा है, बट इसमें डिविएशन क्या हो गया या इसमें डिप्रेशन कम के वजह से नहीं हुआ, ज़्यादा के वजह से हुआ राइट। तो 129 में से माइनस कितना करेंगे? 109 डिग्री 28 मिनट राइट। तो मोटा मोटी ऑलमोस्ट एक आइडिया, मोटा मोटी मान के चलिए 20 डिग्री का, तो हाँ एग्जैक्टली नहीं निकाल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली राइट। इसका मतलब एंगल स्ट्रेन ऑलमोस्ट कितना, 10 डिग्री का। मतलब इसको अगर माइनस करके चलते हैं, इसको भी तो अप्रोक्सीमेटली ले लिए हैं ठीक है ना। इसका मतलब एंगल स्ट्रेन ऑलमोस्ट कितना, 10 डिग्री का करेक्ट। इसका मतलब है अप्रोक्स 10 है हाँ। देखिए ये वैल्यू आपसे नहीं कोई पूछने वाला है, ये किसी वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है। बस मुझे ये प्रूफ कर देना था कि 7 मेंबर रिंग में भी एंगल स्ट्रेन है, बट वो कंप्रेशन का नहीं है, एक्सपेंशन का है, और कि ऑलमोस्ट कितना है राइट। और अगर 8 मेंबर रिंग रहेगा राइट, ये एंगल कितना रहेगा देखिए, तो तो एंगल स्ट्रेन कितना हो जाएगा सर? 135 और माइनस 109 डिग्री कितना हो गया? बोल तो एंगल स्ट्रेन के लिए, ये तो डिविएशन है ना, एंगल स्ट्रेन के लिए दो से डिवाइड करते हैं, तो 135 माइनस 109 और डिवाइड बाई 2 ऑलमोस्ट कितना, 13 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे देखिए 8 मेंबर रिंग कितना मेंबर में आना चाहेगा? 7 मेंबर में राइट। 7 मेंबर कितना में आना चाहेगा? 6 मेंबर में राइट। इसका मतलब है कि सबसे स्टेबल साइज, सबसे स्टेबल कितना मेंबर का है? 6 मेंबर का है करेक्ट। यही मुझे प्रूफ करना था ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब 6 मेंबर से ज़्यादा साइज का रिंग रहेगा तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन का टेंडेंसी रहेगा, अपने साइज ऑफ रिंग कम करना चाहेगा, और 6 मेंबर से कम का रहेगा तो उसमें एक्सपेंशन का टेंडेंसी रहेगा, अपने रिंग का साइज बड़ा करना चाहेगा राइट। वजह, मेन वजह बिहाइंड इट एंगल स्ट्रेन राइट। तो 8 मेंबर किस में आना चाहेगा? 7 में। 7 मेंबर किस में आना चाहेगा? अब 5 मेंबर रहेगा तो किस में आना चाहेगा स्टूडेंट? 6
सिक्स में, और फोर मेंबर रहेगा तो किसमें आना चाहेगा? डायरेक्ट सिक्स में नहीं जाएगा, फोर मेंबर किसमें? फाइव में। और थ्री मेंबर किसमें आना चाहेगा? फोर में। तो इसको आप अपना एक लाइन बना सकते हैं, इफ साइज ऑफ रिंग लेस देन सिक्स मेंबर, तो वहाँ पे एक्सपेंशन का टेंडेंसी। इफ साइज ऑफ रिंग मोर देन सिक्स मेंबर, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का टेंडेंसी, राइट? एक लाइन लिख लीजिए कहीं पे, मतलब बिगर साइज का रिंग में कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, लेकिन वो बिगर साइज कितना ज़्यादा होना चाहिए? सिक्स मेंबर से ज़्यादा, राइट? और स्मॉलर रिंग में, बट स्मॉल साइज किससे कम होना चाहिए? सिक्स मेंबर से। उसमें क्या टेंडेंसी रहेगा? एक्सपेंशन का। हाँ स्टूडेंट, नहीं उसके बाद डिपेंड करेगा कि क्या सिचुएशन है। ये कुछ ऐसा ही है कि एक किस टॉपिक में पढ़ रहे हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, राइट? तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होगा, तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ सेवन मेंबर आएगा तो सिक्स मेंबर में ही जाएगा। प्लस ये अपने आप में कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं देगा, ठीक है? जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। ये हो गया ना, इसको हटाएं। माइग्रेटरी पावर का ऑर्डर बताइए, तो जो फाइनल ऑर्डर लिखवाए थे, नहीं एच ग्रेटर देन पी एच, एच ग्रेटर देन पी एच ग्रेटर देन थ्री डिग्री आर, ग्रेटर देन टू डिग्री आर, ग्रेटर देन वन डिग्री आर, सबसे कम सी एच थ्री था, राइट? और इसमें सारा ऑर्डर दिए हैं अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस कार्बोकैटायन एक्सेप्ट वन, जिसमें था ड्राइविंग फोर्स अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड पाई क्लाउड ऑफ रिंग, राइट? पी फिनाइल में। और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन क्यों होता है, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम के लिए, नहीं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के लिए, राइट? एक देखिए कितना डिग्री कार्बोकैटायन, हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम, देखिए मैंने हर कार्बन का नंबरिंग कर दिया किसी खास वजह से, हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल वन, यहां पे जो है वही ना, तो यहां पे तो एक ही हाइड्रोजन है। और अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी पावर, मान लेते हैं कि मैं आपको बस डायरेक्टली एक कार्बोकैटायन देता और बोलता कि इस कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करना है, तो डू द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, राइट? तो इसमें से मोस्ट लाइकली 90% स्टूडेंट आप मेरे बातों को दिमाग में रखते हैं कि सर ने बताया है कि रीअरेंजमेंट या माइग्रेशन एडजेसेंट कार्बन से होता है, राइट? और एडजेसेंट कार्बन से होता है तब वहाँ पे इस कार्बन पे ग्रुप देखते हैं, तो इस कार्बन पे कितना ग्रुप है? तीन ग्रुप है भाई, एच है, ये है, ये है, कितना ग्रुप है? एकदम फ्री माइंड से आंसर दो, मुझे तो थोड़ा पेन हो रहा है, तुम लोग तो आज रिलैक्स हो भाई। इस कार्बन पे कितना ग्रुप, फिर से एक बार इसको छोड़कर, एक है या तीन है, कौन कौन सा है जरा नाम बोलना है? एच सी एच टू, सी एच टू, राइट? और सी एच टू का मतलब वन डिग्री आर ना, इधर वाले अल्काइल का बात करेंगे तो कितना डिग्री आर? वन डिग्री आर, करेक्ट? और इधर वाले बात करेंगे डिग्री ऑफ अल्काइल निकालने के लिए, हम लोग इसका ये इधर वाला पार्ट, तो ये भी तो वन डिग्री आर है। तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू इस कार्बन पर वन एच है और दो वन डिग्री ग्रुप अल्काइल है, राइट? इसके रेस्पेक्ट में सी एच टू मतलब वन डिग्री आर, इसके रेस्पेक्ट में सी एच टू वन डिग्री आर। ये तो पता था ना कि डिग्री ऑफ अल्काइल निकालने के लिए इस जिसका पूछते हैं उसके अंदर देखते हैं, इधर वाला पार्ट को हम लोग नहीं निकालते हैं,
डिग्री ऑफ अल्काइल के लिए इसके अंदर देखते हैं यहाँ कि नहीं, कि ऐसा नहीं कि सर एक कार्बन तो दो कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री होना चाहिए, भाई 2 डिग्री है, बट मैं इस कार्बन का एग्जैक्टली डिग्री नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इस कार्बन यहाँ से इसको छोड़कर इधर वाले पार्ट का अल्काइल के रूप में इसका डिग्री पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अल्काइल? डिग्री ऑफ अल्काइल के लिए सिर्फ इसको छोड़कर राइट 1 डिग्री आर है, करेक्ट। तो एच और 1 डिग्री आर में किसका माइग्रेटरी पावर ज़्यादा? सर एच का तो सबसे ज़्यादा था राइट, तो उसके अकॉर्डिंग तो इसको माइग्रेट होना चाहिए राइट। नाउ इट बिकम्स कितना डिग्री कार्बोकैटायन? सर 3 डिग्री कार्बोकैटायन राइट। एंड हाउ मेनी हाइपर कंजुगल नाउ? बोलिए, 2 2 4 3 7 7। यहां पे कितना था? 1, वहां पे कितना हो गया? 7, करेक्ट। तो ये जो हम लोग यहाँ से यहाँ किए हैं, यहाँ से यहाँ जो माइग्रेट किए, तो इसके पीछे माइंड में क्या चल रहा था? सर हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली सोचे, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन अकॉर्डिंग टू व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन देखे, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन का मतलब आप इलेक्ट्रॉन डोनेशन देख रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देख रहे हैं, इज इट करेक्ट? बट मान लेते हैं कि किसी फैक्टर से आप चीज़ों को स्टेबलाइज कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ देखिएगा, ये कुछ ऐसा हुआ कि किसी को आपने थोड़ा हेल्प किया और अगला दिन ही उसको भयानक वाला इंसल्ट कर दिया। इंसल्ट करना आपका इस लेवल का था कि आपका हेल्प उसके सामने सामने 0 हो गया, तो ओवरऑल क्या 2 दिन का इफेक्ट? इंसल्ट ना, नो इफेक्ट है। इसका मतलब है किसी एक फैक्टर से आप उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं और दूसरा फैक्टर भयानक हो गया डीस्टेबलाइज करने के लिए। तो सर क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना ही चाह रहे हैं यहाँ पे कितना एंगुलर स्ट्रेन था? यहाँ पे ऑलरेडी एंगुलर स्ट्रेन 24 डिग्री का था राइट। देखिए तो यही था, आया था ना मोटा मोटी, इसका एंगुलर स्ट्रेन ऑलमोस्ट 24 डिग्री का था, 24 था या कम था? देखिए तो 49 ऑलमोस्ट 24 राइट। और 24 डिग्री एंगल स्ट्रेन बहुत बड़ा एंगल स्ट्रेन होता है, और जब यहाँ से यहाँ आ गए तो नाउ इट बिकम्स SP2, इज इट करेक्ट। और SP2 में ये एंगल होना कितना चाहिए था? सर SP2 में ये एंगल होना चाहिए था 120 डिग्री, करेक्ट, बट है कितना? 60 ना, तो डिविएशन 60 डिग्री का हो गया था एंगल स्ट्रेन सर, और आपने बढ़ा दिया राइट। तो भाई एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, नाम सुने ना, एंगल ऑफ रिपोज, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अप टू व्हिच ब्लॉक विल नॉट स्लाइड ऑन गिवन फॉर द गिवन रफनेस ऑफ द सरफेस राइट। क्रिटिकल राइट, क्रिटिकल पॉइंट मतलब वहाँ तक रुका रहेगा, वहाँ तक सर्वाइव कर सकता है, एकदम फिसलने फिसलने को है, स्लाइड करने करने को है, उसे थोड़ा भी बढ़ा दिया 0.1 डिग्री भी कर दिया, स्लाइड कर जाएगा, इज इट करेक्ट। वैसा ही चीज़ों का एक एकदम क्रिटिकल पॉइंट होता है, ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में है 24 डिग्री, 24 से आपने क्या कर दिया 30 डिग्री। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर वाइज तो इसको स्टेबलाइज किए, बट एंगुलर स्ट्रेन वाइज डी स्टेबलाइज कर दिए, इज इट करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबलाइज किए बट एंगुलर स्ट्रेन वाइज डी स्टेबलाइज कर दिए हैं, नहीं? तो अब यहाँ पे क्या होगा? तो अब यहाँ पे क्या होगा? इट इज वेरी मच डिपेंड्स ऑन व्हाट, कि कौन सा फैक्टर डोमिनेट फैक्टर है। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट कि इन केस ऑफ 3 मेंबर रिंग में, अगर 3 मेंबर रिंग है और यहाँ पे जस्ट इस रिंग के कार्बन के बगल वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज रिंग के कार्बन पे आता है, बट रिंग के कार्बन पे आने के टाइम पे हम लोग रिंग को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिंग के कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑल ए पॉजिटिव चार्ज ऑल और भी ज़्यादा एंगल स्ट्रेन को बढ़ा देगा राइट। इलेक्ट्रॉनिकली तो आप फेवरेबल है, बट एंगल स्ट्रेन वाइज अनफेवरेबल हो जाएगा, समझे, समझ रहे स्टूडेंट मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ से यहाँ ना इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर वाइज सही है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, बट एंगल स्ट्रेन वाइज क्या हो गया? गलत हो गया। तो सर यहाँ पे होगा क्या? तो यहाँ पे इट इन केस ऑफ दिस, मतलब इन केस ऑफ 3 मेंबर रिंग फॉर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, एंगल स्ट्रेन डोमिनेट ओवर
इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, कौन सा स्ट्रेन? एंगल स्ट्रेन डोमिनेट ओवर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। दिस इज द रीजन कि माइग्रेट करना चाहिए था हाइड्रोजन को, इसका नाम तो दिए थे ना 1, 2, 3, माइग्रेट किसको करना चाहिए था? हाइड्रोजन को, बट माइग्रेट करता है CH2 यहां से। अब माइग्रेशन क्या होता है? बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाता है या लेके जाता है? तो इवन इफ ए 1 डिग्री आर था, बट फिर भी इसको क्यों लेकर गए हैं? तो यहाँ पे जब इसे माइग्रेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर सोचकर काम कर रहे हैं या एंगुलर स्ट्रेन? एंगुलर स्ट्रेन। तो बोलिए, तो अब आपका क्वेश्चन है कि सर यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ से भी तो कर सकते हैं। तो मेरा आंसर है ए और ए अलग था या सेम सिमेट्रिकल। तो किसका बॉन्डिंग किसके साथ बन रहा है, किसका बॉन्डिंग किसके साथ टूट रहा है? यस, तो 4 का टूट टू के साथ टूट रहा है, तो किसको लॉस हो गया? कार्बन नंबर 2 को लॉस हो गया, राइट। अब कितना मेंबर रिंग बन गया देखिए, तो 1, 4, 2, 3 देखिए, तो सही लिखे। और किस किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा? कार्बन नंबर 2 पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज द वे ऑफ रिंग एक्सपेंशन, समझ गए? रिंग एक्सपेंशन कार्बन आयन में नहीं होगा, ये रिअरेंजमेंट ऑफ कार्बो कटायन का पार्ट था, राइट। किसका पार्ट था? नहीं, नंबरिंग जस्ट मैं रैंडम कर दिया, दैट्स वाई कि मुझे कॉन्फिडेंस रहे किसका किसके साथ बॉन्ड बन रहा है, किसका किसके साथ बॉन्ड टूट रहा है और किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओनली फॉर दिस पर्पस, ओके। दिस इज नॉट द रूल कि आप 1 इसको मान लिया, आप 1, 2, 3, 4 इसको भी मान सकते हैं। जस्ट मैंने रैंडम, बस मैं अपने कॉन्फिडेंस के लिए कि किसका किसके साथ बॉन्ड बन रहा है, आप लोग भी ऐसा ही कीजिएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना एंगुलर स्ट्रेन था? जहाँ से हम लोग चले हैं वहाँ पे 24 डिग्री। अब यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन कितना है? तो सर होना चाहिए तो 120, क्योंकि स्पीड हो गया, राइट, बट है 90, इज इट करेक्ट? तो डिविएशन कितने का? 30 का। डिविएशन कितने का? 30 का। तो एंगुलर स्ट्रेन कितना? सर 15 डिग्री का, करेक्ट। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो एंगुलर स्ट्रेन बढ़ा या कम हो गया है? कम हो गया। तो यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ जाए? तो यहाँ से यहाँ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली इट इज़ मोर फेवरेबल, राइट। क्योंकि आप कन्फ्यूज होते हैं, अगर इस बात को मैं यहाँ पे नहीं लिख पाता तो यू आर गेटिंग टोटली कन्फ्यूज। यहाँ से यहाँ जाना इलेक्ट्रॉनिकली फेवरेबल है बिकॉज वी गेट 7 7 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। यहाँ से यहाँ आते हैं तो ओनली 4 हाइपर कंजुगेबल, करेक्ट ना। तो इलेक्ट्रॉनिकली दिस वन इज मोर फेवरेबल, दिस वन इज लेस फेवरेबल, बट एंगल स्ट्रेन वाइज दिस वन इज मोर फेवरेबल दिस वन इज लेस फेवरेबल, बिकॉज वेन वी आर मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर तो एंगल स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है या डिक्रीज कर दी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकली सोचें या एंगल स्ट्रेन? तो एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट इन केस ऑफ दिस एंग एक मिनट इन केस ऑफ दिस एंगल स्ट्रेन डोमिनेट ओवर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, मतलब 3 मेंबर है, उसके बगल वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पर रिंग को एक्सपैंड कर देना है। 3 मेंबर है और क्या है, बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करना है? रिंग को एक्सपेंड करना है। 4 मेंबर है, बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या करना है? रिंग को एक्सपेंड कर देना है। हाँ बोलिए। ये इसका हाइब्रिडेशन क्या रहेगा जरा बताइए, तो sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए और है कितना? 4 मेंबर है ना, तो 90 होना चाहिए, 120 है 90, तो डिविएशन कितना? 30। देखिए मैं सपोज करके चलता हूँ ना कि जो लिखे और मैं एक बार बोला तो एकदम फटाक से क्लिक कर गया कि अच्छा इसका हाइब्रिडेशन सर बोल रहे हैं, और 120 तो जो मैं बोलता हूँ उसके साथ रिजोनेट करते रहिए, मेरे बातों के साथ एकदम फेज भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बोल के निकल गया और पीछे छूट गया आप, मैं वही बोल रहा हूँ जो पहले पढ़ा चुका हूँ, करेक्ट ना। हाँ
नहीं, मुझे आप ये पहले बताइए कि यहाँ पे तीन ग्रुप है, ठीक है ना? और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इसको यहाँ से माइग्रेट करना है, तो इसका बॉन्डिंग किसके साथ होगा? इसका बॉन्डिंग इसके साथ होगा, राइट? वही बात तो है, यहाँ पे ए सी एच टू है, राइट? ए भी सी एच टू है, करेक्ट? और यहाँ पे एक एच था, एच का माइग्रेशन हुआ तो ए बना, राइट? बट माइग्रेशन कहाँ से होता है शाहबाज? बगल वाले कार्बन से। इस बगल वाले कार्बन पे कितना ग्रुप था? तीन था, एक एच था, दो एक सी एच टू था, एक सी एच टू था, राइट? अब माइग्रेशन में क्या करते हैं, बॉन्ड पे छोड़ के जाते हैं या लेके जाते हैं? तो मैंने एच का तो दिखा दिया था, मैं सी एच टू को दिखा रहा हूँ। तो ये जो जाएगा तो ये यहाँ से बॉन्ड पे लेकर जाएगा, मतलब इसके साथ ब्रेक होगा, तो बनेगा किसके साथ? इसके साथ बनेगा, राइट? क्योंकि इसी पर जाना है। बट ये कंप्लीटली चला जाएगा या इसका इसके साथ बॉन्ड टूट रहा है ना कि इसके साथ, राइट? इसके साथ तो बॉन्ड बना रहेगा ना, सी एच टू का दोनों तरफ से बॉन्ड टूट गया या एक ही तरफ से टूटा है सिर्फ कार्बन नंबर टू के साथ? तो थ्री के साथ तो बॉन्ड बना रहेगा, तो थ्री के साथ बॉन्ड बना कर रखेंगे, करेक्ट ना? आई फोर का बॉन्डिंग किसके साथ हुआ है? वन के साथ। ये सी एच टू का किसके साथ बॉन्डिंग हुआ है? और दो बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन सी एच टू लेकर जा रहा है, ए सी एच टू, इज इट करेक्ट? समझ में आ गया? तो मैंने कुछ नहीं किया, जैसे माइग्रेशन का रूल था वही किया हूँ। बट यहाँ पे आप थोड़ा कन्फ्यूज ये होते कि सर सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी पावर एच का होता है, बट फिर भी आप सी एच टू को प्रेफर कर रहे हैं। तो मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ से कंक्लूड कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला बार बार कि थ्री मेंबर रिंग रहेगा, यहाँ देखिए, और उसके बगल वाले कार्बन पे अगर कार्बोकटाइन है तो रिएजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ज़्यादा प्रेफर करेंगे या एंगल स्ट्रेन? तो सर एंगल स्ट्रेन डोमिनेट ओवर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, समझ गए? दिस इज द वजह। तो ये जो एच का माइग्रेटरी पावर था वो एंगल स्ट्रेन के अकॉर्डिंग था या इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग डिराइव किए थे? माइग्रेटरी पावर ऑफ एच इज मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू व्हाट? इज इट अकॉर्डिंग टू एंगुलर स्ट्रेन या इट इज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर? इट इज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। बट इस केस में कौन सा फैक्टर डोमिनेट हो गया है? एंगल स्ट्रेन। तो लिखिए एक लाइन, दिस इज द रीजन कि ए नहीं होगा और ए होगा, समझ गया स्टूडेंट? लिखिए, इन दिस केस एंगल स्ट्रेन डोमिनेट ओवर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इन दिस केस एंगल स्ट्रेन डोमिनेट ओवर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इन दिस केस एंगल स्ट्रेन डोमिनेट ओवर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो सर इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? देखिए क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक मैं रिएक्शन का डेमो देता हूँ, ठीक है? अरे बहुत बार सो मेनी क्वेश्चन रहेगा डिस्कशन में। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन सेट किया, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। एक क्वेश्चन सेट किया गया और ए जी प्लस को जानबूझ के दिया हूँ। क्यों? ए जी प्लस का क्या रहता है खास इफेक्शन किसके लिए है? हेलोजन ग्रुप। तो एल जी प्लस देने का मतलब, ए जी प्लस देने का मतलब है कि वहाँ से सी एल माइनस लेगा, राइट? तो आपको ये बात तो पता रहेगा कि सर ने बताया था कि ए जी प्लस रहेगा तो यहाँ से सी एल माइनस ले लेगा, राइट? तो आप तो मैक्सिमम क्या सोच सकते थे कि ओके, एक चीज़ तो पक्का आपके माइंड में आता क्योंकि इसका मतलब है कि यहाँ पे कार्बोकटाइन बनेगा। ए जी प्लस क्या करेगा? सी एल माइनस लेगा, कार्बोकटाइन बनेगा। और अगर आज का क्लास में ये नहीं बताते तो आप इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर सोच कर रिअरेंजमेंट करते, हाँ या ना? 1 डिग्री को 3 डिग्री में कन्वर्ट करते और उसके बाद 3 डिग्री को 2 डिग्री में तो कन्वर्ट करते नहीं, और तब क्या करते?
तब यहाँ पे सेकेंड टाइम ओ एच माइनस का अटैक करते, और अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू आपका प्रोडक्ट ए नज़र आता, समझ गए? स्ट्रक्चर वाइज क्या नज़र आता? दिस वन, बट आंसर में कुछ और नज़र आता। और करेक्ट आंसर क्या रहता? करेक्ट आंसर रहता ये, समझ गए? और वहाँ पे एकदम बिल्कुल माइंड फ्यूज कर देता कि 3 मेंबर था, 4 मेंबर कैसा हो गया, समझ रहे मेरे बात को? तो होता क्या कि एजी प्लस कार्बोकटायन तो बना दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर या रिंग को एक्सपेंड करेंगे, रिंग को एक्सपेंड कर लेंगे, करेक्ट ना? और 3 मेंबर किस में बन जाएगा? 4 मेंबर। और तब ओ एच माइनस का अटैक करेंगे। तो अब समझ में आ गया कि थ्री मेंबर 4 मेंबर भी कैसे बन जाता है, और उस पर फिर प्रोडक्ट कैसे नज़र आता है। तो क्या ए प्रोडक्ट सही रहेगा या ए प्रोडक्ट सही रहेगा? दिस वन, ठीक है। मैकेनिज्म मैंने किया कि ए जी प्लस, तो ए जी प्लस के लिए तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, फिर से एक बार बोल रहा हूँ। ए जी प्लस का काम होता है कि जहाँ पे हेलोजन है वहाँ से क्या करेगा, हेलोजन को ले लेगा, और सिर्फ हेलोजन लेगा या एक्स माइनस बनाकर, तो यहाँ से सी एल माइनस बन के निकलेगा, जिसको बाद में हम लोग बोलेंगे लिविंग ग्रुप। बाद में क्या बोलेंगे? लिविंग ग्रुप। यहाँ से सी एल माइनस जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सी एच टू प्लस, राइट? और उसके बाद आपको जो रिअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ाया गया उसमें इसको माइग्रेट करेंगे यहाँ से यहाँ। बट ए माइग्रेशन जो किए एच का, तो एच का माइग्रेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से किए? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको तो लगेगा कि 1 डिग्री 3 डिग्री में आ गया, और फिर यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाकर आप इस पर अटैक करेंगे। ऑब्वियसली पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, राइट? ए न्यूक्लियोफाइल बनकर, इतना तो आपको पढ़ाए हैं क्लास 11th के फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है ना? बट आपको लगेगा कि लुक्स लाइक ए प्रोडक्ट शुड बी दिस वन, बट वो आंसर ना हो कि प्रोडक्ट का आंसर ए रहेगा ऑप्शन में। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जब यहाँ से रिअरेंजमेंट कर रहे थे, दो बात आ गया, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और एंगल स्ट्रेन। हम लोग किसको फेवर करेंगे? एंगल स्ट्रेन। और अगर एंगल स्ट्रेन को फेवर करेंगे तो 3 मेंबर को 4 मेंबर मतलब रिंग का एक्सपेंशन करेंगे, समझ गए? तो एक अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर वो होना चाहिए था, बट अकॉर्डिंग टू एंगल स्ट्रेन ये होना चाहिए था। तो हम लोग किसके तरफ जाएंगे? ये थोड़ा सा डेमो दिया हूँ, बाद में आएगा रिएक्शन में। ये समझ में आ गया ना कि कैसे रिएक्शन पूछा जाएगा? चलिए, इसको हटाएं। क्या बोले? वन 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 और टू का मतलब ये होता है कि पहले इसको लेके जा रहे हैं, बाद में इसको लेके जा रहे हैं, ठीक है? ये दिस इज सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, राइट? कि पहले ये काम किए फिर ये काम किए, मतलब दोनों साथ साथ नहीं ले रहे हैं, इज इट करेक्ट? डू द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन, क्या करें? माइग्रेट करें, हाइड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर सोचेंगे या एंगुलर स्ट्रेन? एंगुलर स्ट्रेन मतलब 4 मेंबर को किस में कन्वर्ट करेंगे?
थ्री मेंबर के बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चला रहेगा तो थ्री मेंबर को फोर मेंबर, फोर मेंबर के बगल वाले पर रहेगा देन फोर मेंबर को फाइव मेंबर, समझ गए? एक बार नंबरिंग कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एक उससे कॉन्फिडेंस आता है, 1 2 3 4 5। माइग्रेशन कहाँ से होता है? बगल वाले कार्बन से। तो माइग्रेशन तो कार्बन नंबर टू से होगा, राइट? कार्बन नंबर टू पे कौन कौन सा ग्रुप है स्टूडेंट? सर एक तो है एच, एग्री? एक क्या है? CH2। अरे क्या है? CH है, राइट? किसको माइग्रेट करें? तो सर इसको तो एच को माइग्रेट नहीं करेंगे, नहीं तो फोर मेंबर से फोर मेंबर ही रह जाएगा और एंगुलर स्ट्रेन भी बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकली तो सही रहेगा बट एंगुलर स्ट्रेन बाय और इंक्रीज हो जाएगा, इज इट करेक्ट? अब फोर मेंबर से फाइव मेंबर करने के लिए सर यहाँ से भी माइग्रेट कर सकते हैं और यहाँ से भी माइग्रेट कर सकते हैं, मतलब कार्बन नंबर फाइव का कार्बन नंबर वन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, नहीं तो कार्बन नंबर थ्री का भी कार्बन नंबर वन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। किस तरफ से बनाना ज़्यादा सही रहेगा? देख लेते हैं, दो दो बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे, राइट? किसका बॉन्डिंग किसके साथ? वन का बॉन्डिंग फाइव के साथ, फोर थ्री और टू। पोएटी चार किस पे आएगा? टू पे। और मिथाइल किस पे लगा हुआ था, करेक्ट ना? मिथाइल लगा हुआ था कार्बन नंबर थ्री पे। तो देखिए नंबरिंग करने से यही फायदा रहता है कि मिथाइल कहाँ पे था, एग्री? ये है 1 2 3 4 5 और इसका माइग्रेशन यहाँ से कर रहे हैं, तो किसका बॉन्डिंग किसके साथ हो जाएगा? बिल्कुल एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कैसे लिख दीजिएगा, वन का थ्री के साथ। तो पोएटी चार किस पे आएगा? वन का थ्री के साथ, इसका मतलब टू और थ्री के बीच में बॉन्डिंग ब्रेक हो गया, राइट? और वन का टू के साथ रहेगा तो वन का टू और टू का फाइव, राइट? 1 2 5 4 3 और पोएटी चार कहाँ पे रहेगा? दिस वन। देखिए तो मेरा डायग्राम सही है, एक बार आप लोग देख लीजिए, जज कर लीजिए। तो बताइए स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। कार्बन नंबर फाइव को अगर माइग्रेट करते हैं तब भी फाइव मेंबर बन रहा है, और कार्बन नंबर थ्री को भी अगर माइग्रेट करते हैं तब भी फाइव मेंबर बन रहा है, इज इट करेक्ट? कार्बन नंबर फाइव को अगर वन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं फाइव मेंबर, और कार्बन नंबर थ्री को भी अगर वन के साथ माइग्रेट कर रहे हैं तब भी कितना मेंबर? तो जहाँ पे मेंबर ऑफ रिंग सेम रहेगा, एक्सपेंशन हो रहा है, और दोनों केस में फाइव मेंबर, तब वहाँ पे माइग्रेटरी पावर देख लीजिएगा कि सर आप थ्री फाइव को माइग्रेट करें या थ्री को माइग्रेट करें। तो फाइव कितना डिग्री अल्काइल है? वन डिग्री। मैंने कब बोला? अगर मेंबर सेम बन रहा है, फाइव और थ्री को माइग्रेट करने से वी गेट सेम मेंबर ऑफ रिंग, इज करेक्ट? तो उस केस में क्या देखना है? माइग्रेटरी पावर। कौन सा पावर? तो एक कितना डिग्री अल्काइल, एक कितना डिग्री इधर वाला से, इधर से ऊपर वाला पार्ट, भाई थोड़ा बोला कीजिएगा आज, ये ऊपर वाला पार्ट है वन डिग्री और ये वाला पार्ट कितना डिग्री अल्काइल? टू डिग्री। तो वन डिग्री और टू डिग्री में किसका माइग्रेटरी पावर ज़्यादा है? टू डिग्री का। तो मैं अगर आपके जगह पर रहता तो फटाक से एकदम फास्टली लिख लेता कि सर ने यहाँ बोला कि अगर मेंबर ऑफ रिंग सेम बनते रहेगा, और तब अगर देखना है अनसिमेट्रिकल सिचुएशन हो गया, जैसे यहाँ पे अनसिमेट्रिकल कर दिया ना, इससे पहले पहला एग्जांपल मैं अनसिमेट्रिकल नहीं किया था तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ,
बट यहाँ पे मैं जानबूझ के अनसे मेडिकल किया, इसको तो करूँगा नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे करेंगे मैं तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, बट हम लोग यहाँ पे क्या सोचना है, एंगल स्ट्रेन वाला फैक्टर। लेकिन एंगल स्ट्रेन में तो इधर से दोनों केस में सिमिलर हो गया ना, फाइव मेंबर, इज इट करेक्ट? तब अगर मेंबर ऑफ रिंग सेम बन रहा है यहाँ से और यहाँ से, तब कौन सा फैक्टर देख लेंगे? माइग्रेटरी पावर। प्लीज़ इसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग समझे स्टूडेंट मैं क्या समझाने की कोशिश किया? ओके, इसका मतलब कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा? सर ए होगा और ए नहीं होगा, इज इट करेक्ट? नहीं देखेंगे, हाइपर कंजन देखना रहता तो एज को भेजते, राइट? हाइपर कंजन अगर देखना रहता तो इन दोनों को भेजते या एज को भेजते? थ्री डिग्री कार्बोकोटाइन बनाते, इज इट करेक्ट ना? बट मैंने बार बार क्या समझाने की कोशिश किया, थ्री मेंबर के बगल वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो फोर मेंबर बनाएंगे और वहाँ पे एंगल स्ट्रेन देखेंगे। फोर मेंबर वाले बगल वाला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसको फाइव मेंबर बनाएंगे, वहाँ भी एंगल स्ट्रेन देखेंगे, करेक्ट ना? एक मिनट, ये कितना डिग्री हो गया? अच्छा ए, ओके ओके, ये कितना डिग्री? ए होना चाहिए, नहीं लिख लीजिए। ये होगा और ये नहीं होगा, करेक्ट ना स्टूडेंट? इसको हटाएं, हाँ देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि अगर अनसिमेट्रिकल सिचुएशन रहेगा, मतलब इसको अगर यहाँ से माइग्रेट करते हैं, अगर यहाँ से माइग्रेट करते हैं तब भी मुझे क्या मिलेगा? फाइव मेंबर। और यहाँ से माइग्रेट करते हैं तभी मुझे मिल रहा है फाइव मेंबर। तो अगर अगर मेंबर ऑफ रिंग सेम मिल रहा है, अगर मेंबर ऑफ रिंग सेम मिल रहा है तब उस केस में एक्चुअली फिर हम लोग दोनों केस में फाइव मेंबर दोनों केस में कितना मेंबर? फाइव मेंबर और फाइव मेंबर। तब हम लोग साथ में थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी देखना शुरू कर देते हैं। तो अगर ए बनाएंगे तो फोर हाइपर कंजुगेबल, बट ए बनाएंगे तो कितना? थ्री हाइपर कंजुगेबल, नहीं? अगर मेंबर ऑफ रिंग सेम मिल रहा है तो थोड़ा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा और भी ज़्यादा लाभ हो जाए। तो अगर एंगल स्ट्रेन बाय के साथ साथ अगर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी अगर हो गया तो दोनों में मेंबर ऑफ रिंग सेम है, तब यहाँ पे थोड़ा हम लोग क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को भी सपोर्ट करते हैं। दिस इज द वजह कि हम लोग इसको माइग्रेट कर रहे हैं। किसको माइग्रेट कर रहे हैं? इस तरफ से कार्बन नंबर थ्री को। कार्बन नंबर थ्री को क्यों? ये टू डिग्री है, ये कितना डिग्री था? वन डिग्री। क्लियर ना? हाँ तर, हाँ तब तो और भी बेस्ट हो जाएगा, नहीं? दो दो चार तीन सात हो जाएगा, बट पहला स्टेप में ही तो हो जाएगा थ्री हाइपर कंजुगेबल, यहाँ पे फोर हाइपर कंजुगेबल। अगर यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे थ्री हाइपर कंजुगेबल, बाद में इसको माइग्रेट करके हम लोग सेवन पे लेके जा सकते हैं। बट फर्स्ट अगर आपके पास मौका मिले, एंगल स्ट्रेन सिमिलर है और उसके साथ साथ मोर स्टेबल, तो आप फोर हाइपर कंजुगेबल की तरफ जाना चाहेंगे या थ्री की तरफ जाना चाहेंगे? बाद में क्या होगा छोड़ दीजिए, ठीक है? ठीक। अब बात देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और चीज़ है कि हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, इसमें बहुत रिजिड नहीं रहना है। ये दिखते नहीं है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पढ़ रहे थे और साथ में एंगल स्ट्रेन आ गया, मतलब कुछ कुछ और चीज़ें हो सकता है, एक्सेप्शनल कैरेक्टर हो सकता, कोई और वजह हो, बट मोटा मोटी थ्योरी ये है। अब देखिए एक क्या होता क्या है कि एक लमसम थ्योरी होता है, ठीक है? उसके बाद ज़्यादा नहीं रहता कि थ्योरी के बातें सारा बहुत ज़्यादा क्लियर होता है प्रॉब्लम बनाने के टाइम पे। थ्योरी तो सब लोग को पता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसको नहीं पता है राइट, बट वही क्वेश्चन हम आज जो ले लिए थे, बिगर ब्लॉक और स्मॉलर ब्लॉक सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बनता, उसमें क्या नहीं आ गया, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं आ गया, प्रोजेक्टाइल भी मोशन हो गया था, बर्क ऑफ एनर्जी भी आ गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आ गया राइट, सबको मिला करते इससे बढ़िया क्या हो सकता है एडवांस का लेवल। और भाई एक वो क्वेश्चन तो जो था वो पक्का 200% गारंटी इरोडो का भी है, देख लीजिएगा जो इरोडो में 163 नंबर है वो है, अगर किसी के पास बुक होगा तो देखें है या नहीं है, एक बार मैच कीजिएगा इसका मतलब। बहुत सारा क्वेश्चन एचसीबी में, एचसीबी का जो लिया गया है वो इरोडो का भी लिया गया है। चलिए ये तो हो गया ना, अब एक काम करते हैं, अभी तक आपको मैं क्या दिखाया, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का या एक्सपेंशन का, कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे होने का चांस रहेगा, सिक्स मेंबर से ज्यादा में राइट, तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब रिंग का एक कार्बन रिंग से बाहर हो जाएगा तभी होगा ना ऐसा, कॉन्ट्रैक्शन भाई कब होगा, तो सर रिंग में अगर सेवन कार्बन है तो एक कार्बन रिंग से बाहर होना पड़ेगा तभी तो सिक्स मेंबर बनेगा, लेट अस सपोज ये सेवन मेंबर रिंग है राइट, इसका कॉन्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो सेवन मेंबर से कितना होना पड़ेगा, सिक्स मेंबर, इज इट करेक्ट। चलिए और यहाँ पे कार्बो कटायन है, ध्यान से सुनिएगा, रिअरेंजमेंट कहाँ से होता है, बगल वाले कार्बन से, इस बगल वाले कार्बन पे क्या क्या है, कार्बन नंबर सेवन पे सर दो एच है और क्या है, एक सी एच टू है, इज इट करेक्ट ना, बट एज को माइग्रेट करने से कुछ नया मिलेगा क्या, या सेम कार्बोकोटाइन से सेम कार्बोकोटाइन, आर यू गेटिंग द न्यू इंटरमीडिएट आफ्टर रिअरेंजमेंट ऑफ आफ्टर माइग्रेशन ऑफ एच, वी गेट द सेम इंटरमीडिएट करेक्ट, तो उससे कुछ लाभ तो होगा नहीं, तो सर माइग्रेटरी पावर तो एज का ज़्यादा था, नो डाउट एज का ज़्यादा था, बट एज को छोड़कर अगर इस सी एच टू को माइग्रेट करें, किसको, हम रिअरेंजमेंट होता है बगल वाले कार्बन से, अगर सी एच टू को माइग्रेट करें इस कार्बन से और इसको अगर यहाँ पे लाएं तो बोलिए किसका किसके साथ बॉन्डिंग होगा, वन का बॉन्डिंग सिक्स के साथ होगा राइट, और किसका किसके साथ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बोलते रहिए बोलने से बहुत सारा चीज क्लियर होता है, सिक्स का सेवन के साथ, क्या सेवन बिल्कुल रिंग्स रिंग से टूट कर एकदम बिल्कुल अलग हो जाएगा या अभी भी लटका हुआ रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, वन के साथ अटैच रहेगा राइट, करेक्ट ना। अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा सर, पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन नंबर सेवन पे, इज इट करेक्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यह है कार्बन नंबर सेवन। अब समझ में आ गया कि नंबरिंग करने से कितना फायदा हो जाता है, बोलिए तो आप ये समझ में आया कि हाउ रिंग विल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड भी समझ में आ गया, कॉन्ट्रैक्शन ऐसे होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब वन ऑफ द कार्बन क्या हो जाएगा, रिंग से बाहर हो जाएगा, बट रिंग से बाहर का मतलब कंप्लीट मॉलिक्यूल से बाहर नहीं, रिंग से बाहर, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, और एक कहावत सुने लाभ पे लाभ, अब सिक्स मेंबर तो सिक्स मेंबर बनेगा नहीं, सिक्स मेंबर तो आगे और पीछे जाएगा नहीं राइट, और मैं आपको बताया था कि सिक्स मेंबर में एग्जैक्टली 120 होने का चांस रहता है, तो अब यहाँ पे अगर साथ में एंगुलर स्ट्रेन खत्म कर दिए और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी अगर नज़र आना शुरू हो गया, ये हो जाएगा, बोले लाभ क्या हुआ सर, ये वन डिग्री था, अब सिक्स मेंबर से तो ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर थोड़ा सोच लेते हैं, वन डिग्री से अगर हाइड्रोजन को माइग्रेट करें तो कितना डिग्री बन गया, थ्री डिग्री, हाउ मेनी हाइपर कंजुगल, दो दो चार तीन साठ, इज इट करेक्ट, और सिक्स मेंबर में परफेक्टली 120 बन सकता है सिक्स मेंबर में, क्योंकि भाई इसका तो होता ही है ना साइक्लोहेक्सन तो बन ही सकता है ना इसमें, नो डाउट बोट फॉर्म चेयर फॉर्म रहता है, बट पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये 120 के लिए एडजस्ट कर लेता है, बोट फॉर्म चेयर फॉर्म भी क्यों कर रहा था, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, तो अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो अपने आप को 120 पे एडजस्ट हो जाएगा, कर लेगा ठीक है, तो इन दिस केस
पहले क्या हुआ, 7 मेंबर से 6 मेंबर में आया, और उसके बाद 6 मेंबर से तो ना आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, तो अब क्या सोचेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर सोच लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के यहाँ से माइग्रेट करके 1 डिग्री कार्बोक्राइन था, इसमें कन्वर्ट कर लिया 3 डिग्री में। इसका मतलब यहाँ पर रिअरेंजमेंट ऑफ कार्बोक्राइन हुआ, बट ओनली वन स्टेप या टू स्टेप। पहले क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, फिर क्या, यहाँ से यहाँ तक एंगल स्ट्रेंथ दिमाग चल रहा था, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या चला रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। हाँ सिक्स मेंबर रिंग में ही तो, सिक्स मेंबर रिंग अगर बन गया तो वापस 6 मेंबर से आगे पीछे जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इसका क्वेश्चन है सवाल लास्ट में क्या है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, जैसा रहेगा स्ट्रक्चर उससे वैसा उस टाइम पे बात करेंगे। दिमाग में एक चीज़ तो चल रहा है कि हाँ एंगल स्ट्रेंथ भी देखना है, राइट। अब सारा स्ट्रक्चर का यहाँ पे कंक्लूजन दे सकते हैं, इज इट पॉसिबल, या कुछ बातें डीके सिंह के बुक में भी मिलेगा, वहाँ से भी कुछ बातें हम लोग देखेंगे, जैसा प्रॉब्लम रहेगा। अब ये स्ट्रक्चर मैंने लिया, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अब यहाँ तक कोई प्लानिंग करके थोड़े स्ट्रक्चर लेते हैं, यहाँ ये स्ट्रक्चर मैंने ले लिया, अच्छा एक 7 मेंबर लेते हैं, यहाँ ये दिख गया, उस पर दिमाग में आया ये ऐसा भी तो हो सकता है, तो यहाँ से यहाँ तक आ गए। आप मेरा, हाँ मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, आप, मैं 1 मिनट बिता, मैं आपका बात सुनता हूँ। आप मेरा रिजोनेंस का ओरिजिनल नोट्स देखिएगा ना, जो सर का पढ़ाया हुआ है, बहुत कम है। अब मैं उसमें एक्स्ट्रा क्यों ऐड करता हूँ, चीज़ों को तोड़ तोड़ के, मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ स्टूडेंट से, कि स्टूडेंट का कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, उसी को मैं थ्योरी में ऐड करते जा रहा हूँ। हाँ बोलिए। अच्छा आप इसी स्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाह रहे हैं, मोस्ट लाइकली जहाँ, सॉरी, इस स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं जो अभी 4 मेंबर से 5 मेंबर में आए थे, राइट। यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन आने से अगर ज़्यादा स्टेबिलिटी आता है, मतलब 3 डिग्री में आ जाइएगा, बट यहाँ पे जो कार्बोक्राइन बना है उसमें ऑलरेडी 3 हाइपर कंजुगल है, राइट। तो अगर किसी एक पॉइंट से आपको जा रहे हैं, यहाँ भी 5 मेंबर और यहाँ भी 5 मेंबर, तो मेंबर तो सेम रहा, और उसको अगर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखेंगे तो जानबूझकर आप 4 हाइपर कंजुगल की तरफ जाना चाहेंगे या 3 हाइपर कंजुगल की तरफ, मिलता है इसकी तरफ जाना चाहिए। बाद में क्या होगा वो तो पता नहीं है, लेकिन बाद में अगर ऐसे देखेंगे वहाँ से, अगर इसमें देखते हैं तो इसमें यहाँ से यहाँ अगर आते हैं, यहाँ से यहाँ, राइट, तब भी कितना, 4 ना, सॉरी, यहाँ से अगर यहाँ से आते हैं 4 आओ, अब नहीं, यहाँ से यहाँ आ गए तो 4 ही रहेगा, यहाँ से यहाँ आएंगे तो 3 हो जाएगा, राइट। लेकिन आपका क्वेश्चन थोड़ा सा एक्चुअली रिमार्केबल लग रहा है, इसको बनाएं और एक स्टेप के बाद अगर 7 मिल जाए, नहीं तो ज़्यादा प्रॉफिट है। कुछ ऐसा है कि किसी से झगड़ा हो रहा है तो 3 स्टेप अगर पहले अगर पीछे मुड़ जाते हैं, और भविष्य में देख रहे हैं कि हम लोग 100 स्टेप का छलांग लगा सकते हैं, तो बेटर है कि 3 स्टेप पीछे हो जाएं, कुछ ऐसा ही लग रहा है। बट मुझे फिर भी, मैं इसकी तरफ जाना चाहूँगा, 4 हाइपर कंजुगल की तरफ। बट आपका ये मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, इस पर मैं बैठ के देख लेता हूँ कि क्या होना चाहिए, मतलब आप इसी स्ट्रक्चर के बारे में सोच रहे हैं, इज करेक्ट। चलिए यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अभी तो इतना तो गेस कर लेंगे ना कि रिंग का एक्सपेंशन कैसे होता है और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है।
यहाँ देखिए स्टूडेंट, किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है? तो सर अगर ऐसे देखा जाए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, तो इसमें कितना हाई पर कंज्यूबल? 6, इसमें कितना? 3। तो ऐसे तो होना चाहिए था, दिस वन इज मोर स्टेबल एंड दिस वन इज लेस स्टेबल, राइट? बट स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, और आपको बताया था कि देखिए जब आप कोई एम पढ़ाते रहेंगे उसके बाद मुझे रिकॉल करवाइएगा। तो यहाँ पे एक रीजन है, याद है आप लोग शायद गूगल में इसको सर्च किए थे, नहीं तो एक बार आज क्लास के बाद देख लीजिएगा, डांसिंग रिजोनेंस। तो एक्चुअल सीन इज दैट कि 3 मेंबर रिंग का सिग्मा बॉन्ड अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रेंथ किसके जैसा रहता है? स्ट्रेंथ वाइज पाई बॉन्ड के जैसा रहता है, बोलिए सर। स्ट्रेंथ वाइज पाई बॉन्ड का जैसा, इज इट करेक्ट? तो मान लेते हैं कि ऐसा अगर रहता आपके पास सवाल सर, जस्ट लाइक दिस, अगर ऐसा रहता तो आप क्या करते? तो सर पहले इसके साथ रेजोनेंस करते, फिर इसके साथ भी करते और इसके साथ भी करते, इज इट करेक्ट? बट ये दोनों तो आपस में कंजूसन में नहीं है, पोएट्री जैसे सबके साथ कंजूसन में है, बट क्या ये आपस में कंजूसन में है? तो जब ए रेजोनेंस करता तो ये दोनों देखते रहता, कॉन्स्टेंट रहता। ए रेजोनेंस करेगा तो ये दोनों कॉन्स्टेंट रहेगा, ए रेजोनेंस करेगा तो ये दोनों कॉन्स्टेंट रहेगा, इज इट करेक्ट? तो भाई यहाँ पे पोएट्री चार सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मतलब पोएट्री चार पाई बॉन्ड कंजूशन में है, तो एक मिनट के लिए इसको पाई बॉन्ड ही मानिए, कितना मिनट के लिए? 1 मिनट के लिए, करेक्ट? ऐसे पॉजिटिव चार सिंगल बॉन्ड डब और पाई बॉन्ड, करेक्ट ना? मतलब है सिग्मा, दिमाग में क्या चलना चाहिए? पाई बॉन्ड। तो ए एक्चुअली उठकर ऐसे आ जाता है, ऐसा क्यों? तो क्या बताया गया है? करेक्ट? एक्चुअली बिल्कुल डांस करने जैसा ही स्ट्रक्चर बनता है। देखते हैं लोग डांस करने के लिए हाथ इधर उधर चलाते रहता है, इसको यहाँ देखिए, ये पहले इधर यहाँ आएगा, इस पे पोएट जाए, करेक्ट? फिर ये उठकर इसके साथ आ जाएगा, वापस यहाँ आ जाएंगे, समझ में आ गया? यहाँ से यहाँ आ गया, वापस तो जाएंगे ना, अब फिर क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ, करेक्ट? तो एक बार यहाँ से ओपन होगा, एक बार यहाँ से ओपन होगा, इस तरफ से वो ओपन होगा तो इस पे पोएट आएगा, इस तरफ से ओपन होगा तो इस पे पोएट जाए, फिर क्या होगा? यहाँ से, तो जैसे ये दोनों काम करेगा वैसे ही ये दोनों काम करेगा। इसको हम लोग क्या मान रहे हैं दिमाग में? है तो सिग्मा, माइंड में क्या सोच रहे हैं? जस्ट लाइक पाई बॉन्ड, इज इट करेक्ट? तो एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, फिर सिमिलर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, तो हर तरफ से ओपन होकर इसको स्टेबलाइज करते रहता है। दैट्स वाई इट इज नॉट जस्ट लुक लाइक वाट के डांस कर रहा है, इसका नाम ही दे दिया गया डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, आप लोग समझे भाई ने क्या बताया? कितना तरफ से इसको स्टेबलाइज हो रहा है? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इसको हम लोग है सिग्मा, बट क्या मान रहे हैं दिमाग में? पाई बॉन्ड के जैसा। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू वेरी हाई एंगल स्ट्रेन, इज इट करेक्ट? तो क्या मुझे 6 स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा या आप लोग समझ में आ गया आपको कि हाँ 6 बार होगा? एक बार इधर से, फिर एक बार इधर से, 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 करेक्ट? और अगर ए ब्रेक होकर जाएगा
तो पोएट्री इस पे बनेगा, यहाँ देखिएगा, अरे ब्रेक हो रखा जाएगा तो पोएट्री इस पे बनेगा, बट ऑल आर वाट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो नहीं लगता है कि हाइप सिक्स हाइपर कंजेबल के रेस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है? हाइपर कैप्सूल में तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन था, यहाँ तो पूरा टूट कर ही जा रहा है, इट इज काइंड ऑफ रेजोनेंस। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 130 पे जाइए, तो फास्ट क्वेश्चन नंबर 225, क्वेश्चन नंबर 225 बोले सब में नंबर ऑफ हाइपर कंजगेबल कितना है? क्वेश्चन नंबर 225 में, वेरी गुड, सब में नंबर ऑफ हाइपर कंजगेबल 444 है, और रिंग एक्सपेंशन का चांस है क्या? जो थ्री मेंबर है उसमें बगल और कार्बन है कि एक्सपेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअली अब इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर देखेंगे तो यहाँ पे मेन फैक्टर क्या देखना है, मेन फैक्टर एंगल स्ट्रेन। सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन कहाँ रहेगा? वन में, उसके बाद टू में, और सबसे कम एंगल स्ट्रेन थर्ड में। तो यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे? एंगल स्ट्रेन। तो करेक्ट आंसर शुड बी 3-2-1, बी होना चाहिए। देखिए तो आंसर क्या है, करेक्ट आंसर पेज नंबर 130 130, क्वेश्चन नंबर 225, इज इट करेक्ट ना? अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 226 जाइए फास्ट। 226 में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकेटायन? फर्स्ट सेकेंड थर्ड में सब, हाँ सी में, फर्स्ट में आपने क्या देखा सर? एरोमेटिक कार्बोकेटायन, राइट। पहला में पॉइंट है एरोमेटिक कार्बोकेटायन, करेक्ट, और सेकेंड और थर्ड में एंगुलर स्ट्रैंड, इज इट करेक्ट? बिकॉज नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट तो सेम है, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए फर्स्ट थर्ड सेकेंड, करेक्ट आंसर तो शुड बी सी। अब यहां देखिए तो क्वेश्चन में 227 का देखिए तो आंसर क्या है, इस क्वेश्चन से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। सेकेंड और थर्ड को ध्यान से देखिए, फर्स्ट को छोड़ दीजिए अभी। सेकेंड और थर्ड में हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइपर कंजगेबल? सिर्फ न पहले हाइपर कंजुगेबल से आते हैं क्वेश्चन में 227, एवरी वन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 227 बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड दोनों में हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइपर कंजगेबल? वन। तो हाइपर कंजुगेशन तो सेम है, इवन प्लस आई किसका ज़्यादा? अगर हाइपर कंजुगेशन कॉमन रहता है तो हम लोग प्लस आई पे आ जाते हैं, राइट, इंडक्टिव पे भी आ सकते हैं। प्लस आई किसका सर? थर्ड में प्लस आई ज़्यादा, राइट। तो हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई अगर दिमाग में रहता तो उसके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए था सबसे ज़्यादा तो फर्स्ट का, क्योंकि इसमें थ्री हाइपर कंजुगेशन, अगर हम लोग डांसिंग रेजोनेंस नहीं जानते, करेक्ट, और सिर्फ हाइपर कंजुगेशन में जो मेजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट ही जानते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था फर्स्ट हाइपर कंजुगेबल, उसके बाद होना चाहिए था थर्ड। क्यों? क्योंकि सर इसका प्लस आई ज़्यादा हो गया, हाइपर कंजुगेबल जब कॉमन रहेगा तो प्लस आई पे जाएंगे, राइट, अनकॉमन फैक्टर। आप लोग सब लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन आंसर है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसका मतलब सेकेंड में एक्चुअली हाइपर कंजुगेशन देख रहे हैं या डांसिंग रेजोनेंस देख रहे हैं? सेकेंड में जो थ्री मेंबर का जो दो सिग्मा बॉन्ड है जस्ट वी हैव लाइक पाई बॉन्ड, इज इट करेक्ट? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा रेजोनेंस कहाँ पे होगा? अब बोलेंगे सर रेजोनेंस कहाँ हो रहा है, रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है, मैं रेजोनेंस सोच रहा हूँ। क्यों सोच रहा हूँ? थ्री मेंबर रिंग में, इज इट करेक्ट? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट आंसर इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड। देखते कितना बढ़िया क्वेश्चन का ओरिएंटेशन है, मतलब दिमाग जाएगा ही नहीं अगर
कहीं पर अगर नहीं कोई पढ़े हुए रहेगा तो दिमाग काम करेगा, फिर एक ही बात लगेगा कि शायद एक गलत ऑप्शन है, राइट। हाँ नहीं, थ्री मेंबर फोर मेंबर में एक्सपेंशन होगा। मैं अभी भी देखिए यहाँ पे कि सर यहाँ रिजोनेंस होना और रीअरेंजमेंट होना सेम बात है, अलग अलग बात। अगर किसी स्ट्रक्चर का कंपेयर कर रहे हैं, अगर आप बोलिएगा कि सर फर्स्ट मेंबर जो फर्स्ट में क्वेश्चन है, यहाँ 227 में आइए, फर्स्ट में जो कार्बोकैटायन है वो क्या ऑलवेज ऐसे ही रहेगा? मेरा आंसर रहेगा नो, ये फोर मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। बट अभी जो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, मैं जिस आर एस के बीच में कंपेयर कर रहा हूँ तो उसको फिर रीअरेंज करके नहीं कंपेयर करेंगे। मैं वो कंपेरिजन सिर्फ उस कार्बन पे कटायन के बीच का देख रहा हूँ, करेक्ट ना? तो दो अलग अलग बात। मैंने यहाँ पे इस बात से डिनाई नहीं किया कि रेजोनेंस करते रहेगा और फोर मेंबर में नहीं जाएगा। ऑब्वियसली ये फोर मेंबर रीअरेंज करे या अपने आप को कन्वर्ट करेगा, बट वो हो गया रीअरेंजमेंट, एक इंटरमीडिएट से दूसरे इंटरमीडिएट जाना। बट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या, रियल कॉन्सेप्ट या हाइपोथेटिकल? जब तक यहाँ पे कटायन रहेगा तब तक इस कटायन को ये रिजोनेंस स्टेबलाइज करते रहेगा, बट क्या यहाँ पे परमानेंटली रहेगा या अपने आप को फोर मेंबर में भी कन्वर्ट करेगा? ऑब्वियसली फोर मेंबर में करेगा, करेक्ट। तब दो बातें इसका इसके साथ, जब तक हम लोग यहाँ पर, जैसे यहाँ देखिएगा सर इसमें रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, मेरा आंसर बिल्कुल होगा। बट अगर इसी का कंपेरिजन इसके साथ करना चाहते हैं, अब बोलिए जब तक इस पर पॉइंटी जा रहा है, इस पर पॉइंटी जा रहा है, इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल? तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है जब तक इस पर पॉइंटी जा रहा है, राइट। तो जिस कार्बोकटायन के बीच में कंपेयर करेंगे उसको उसी मोमेंट पर उसी पर रख कर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि उसको रीअरेंज करके आगे बनाकर, करेक्ट, ठीक है ना? एक कुछ ऐसा बात हो जाएगा, देखिए एक और स्ट्रक्चर CH3CH2CH2+, एग्री? CH2। और मैं अगर आपसे पूछूंगा कि अच्छा नीलांजन ये बताइए ए और बी में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, मेरा क्वेश्चन क्या है? तो आप हो सकता है ये भी तो सोच सकते हैं कि नहीं सर इसको एक काम करते हैं, इसको पहले रीअरेंज कर लेंगे और यहाँ लेकर आएंगे, तब तो 6 हो जाएगा। भाई रीअरेंज नहीं करेंगे तब तो इसके बीच का कंपेरिजन हो गया, राइट। मैं इस जब तक जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज रहता तो उसके बीच में क्या स्टेबिलिटी है, राइट। अगर ये करेंगे तो इसके बीच का कंपेरिजन हो गया ना, इसे जिस कार्बोकैटायन का दूंगा उसका उस मोमेंट पे उस पे सोचिएगा, ये बात सबको क्लियर हो गया? अब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। अरे इस ए पॉइटी चार्ज को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे ही रहेगा या अपने आप को रीअरेंज करेगा लेस स्टेबल से मोर स्टेबल, तो वो अलग सीन हो गया, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 228 देखिए, तो ये तो साथ कर भी लिए थे, राइट। ये तो सबसे कम तो फास्ट रहेगा, इसमें तो कोई कंपेरिजन है ही नहीं, इज इट करेक्ट? चलिए स्टूडेंट एक बढ़िया क्वेश्चन करें, क्वेश्चन 243 कीजिए, पेज नंबर 133।
शायद यहाँ से टू फोर्टी थ्री आंसर आप लोग क्या लग रहा है, आप लोग इसको कर पाएंगे? मैं ट्राई करूँ, आप लोग कीजिएगा। क्या 1 डिग्री से 3 डिग्री बना है? यस। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे तो एच है नहीं, अब CH3 को माइग्रेट करें या CH2 को माइग्रेट करें? सर 4 मेंबर से 5 मेंबर की तरफ बनाने के चलेंगे, राइट। अब यहाँ पे कार्बन नंबर 3 या कार्बन नंबर 5, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन है, सेम टाइप है, राइट। तब यहाँ तो ऐसे भी डाउट नहीं है, तो 1 का बॉन्डिंग अगर 3 के साथ कर दें, 1 का बॉन्डिंग 3 के साथ, 1 3 4 5, तो किसके साथ? और 2 का बॉन्डिंग 5 के साथ रहेगा, और CH3 किस पे रहेगा? 2 पे ना, CH3 2 पे। अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? कार्बन नंबर 2 पे, राइट। तो और भी अच्छा हो गया, एक साथ दोनों काम हो गया। बोलिए क्या सर? 5 मेंबर हो गया, 5 मेंबर बन गया, और 3 डिग्री कार्बोक्टेन बन गया। नहीं समझे? 5 मेंबर का 5 मेंबर बन गया, 80 डिग्री, एक गिफ्ट मिल गया, IIT का IIT, और साथ में NIT भी हो गया। तो भाई IIT एडवांस में तभी होगा ना जब JEE मेन क्वालीफाई करेंगे। ये क्या हो गया 90 डिग्री से? क्या हो गया है? बैटरी कम हो गया ना जल्दी। अच्छा कहीं पे था ओ। क्वेश्चन नंबर 220 220 244 बनाइएगा, एक बार देखिएगा। कितना मेंबर रिंग है? तो 7 मेंबर किस में जाना चाहेगा? 6 मेंबर में जाना चाहेगा। हाँ हो सकता है, अगर वहाँ पे कार्बो कटाइन नहीं रहेगा, अगर कॉन्ट्रैक्शन का चांस नहीं रहेगा, तो सेमर मेंबर रहेगा, राइट। बट कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन किस केस में आपको देखने को मिल रहा है? दिस इज अ पार्ट ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोग्राइन, इज करेक्ट। बट स्टूडेंट उसके अलावा भी समटाइम्स अगर ऑर्गेनिक, इसमें बहुत सारा सिचुएशन ऐसा रहेगा जहाँ पे ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बात होगी, ठीक है।
अब उसके लिए यहाँ देखिए, रिंग का बनना अब ये बहुत आगे का रिएक्शन है, अभी हालांकि बात करना सही नहीं रहता। ये तो जानते हैं ना कि फ्रिडल का फाल्काइलेशन होता है, नाम सुने हैं? तो इसमें जब पढ़ाएंगे ए बन जाता है। अब वहाँ पे कुछ और थ्योरी रिएक्शन में कहीं में चलाएगा कि इंटर मॉलिकुलर रिएक्शन और इंट्रा मॉलिकुलर रिएक्शन दोनों अगर सेम दोनों हो रहा हो तो इंट्रा मॉलिकुलर रिएक्शन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू इंटर। ओके चलिए, एनीवे अब यहाँ पे देखिए, शायद इसको इस एग्जांपल में आप लोग का कुछ जो आंसर है वो शायद मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो किस तरफ से इसको रिअरेंजमेंट करें? सर यह ए बी सी एच टू है, ए बी सी एच टू है राइट। यहाँ से अगर अगर यहाँ से लेकर जाते हैं, एक मिनट देखिएगा, बगल वाले कार्बन से होता है ना, तो कार्बन नंबर 7 और कार्बन नंबर 2, तो कार्बन नंबर 2 से अगर माइग्रेट करेंगे कॉन्ट्रैक्शन के लिए तो 1 का 3 के साथ बॉन्डिंग होगा, इज इट करेक्ट? 1 का 3 के अगर इधर से करते हैं तो बताइए किसके साथ बॉन्डिंग होगा और किसके साथ बॉन्डिंग ब्रेक होगा? सर 1 का 3 के साथ होगा और कार्बन नंबर 2 आउट ऑफ रिंग हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? कार्बन नंबर 2 पे, करेक्ट ना? यस। और कितना मेंबर बन रहा है? 6 मेंबर। अगर 6 का अगर 1 के साथ बॉन्डिंग करते हैं तब किसके साथ बॉन्ड ब्रेक होगा? 6 और 7 के बीच में। अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? कार्बन नंबर 7 पे राइट। और कितना मेंबर रिंग बन रहा है? 6 मेंबर। और कार्बन नंबर 7 पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो 3 डिग्री कार्बोक्टेन बनने जा रहा है राइट। तो 6 मेंबर दोनों केस में, और एक में 1 डिग्री कार्बोकैटायन और दूसरे में 3 डिग्री। तो जानबूझ के आप 6 मेंबर तो कॉमन फैक्टर हो गया, जानबूझ के आप 1 डिग्री बनाएंगे या 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएंगे? 3 डिग्री। तो नहीं लगता कि जैसा हम लोग पहले बात कर रहे थे कि अगर मेंबर ऑफ रिंग सेम रहेगा तब साथ में हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर भी ध्यान दे देंगे, तो कौन सा तरफ से होना चाहिए? ए नहीं होगा और ए होगा, इज इट करेक्ट? तो 1 का बॉन्डिंग किसके साथ? 1 का बॉन्डिंग 6 के साथ, इज इट करेक्ट? 1 2 3 4 5 6। और कार्बन नंबर 7 वन के साथ जुड़ा रहेगा और कार्बन नंबर 7 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इज इट करेक्ट? अब दोबारा इसका रिअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होगा? सर नहीं होगा, ऑलरेडी यहाँ पे 7 हाइपर कंजुगेबल मिल रहा है, करेक्ट ना? अब कुछ बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ भेज दे क्या, तो यहाँ से यहाँ भेज देंगे तो कुछ लाभ होगा? 6 मेंबर का 6 मेंबर रहेगा और नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल कम हो जाएगा, करेक्ट? इसलिए यहाँ पे ही रह जाएगा। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 244 तो बन गया ना, अब समझ में आ रहा है कि रिंग का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 245 बनाइए। अब बिना आंसर देखे हुए बाद में आंसर देखिएगा। टू फोर्टी फाइव में किसको माइग्रेट कर रहे हैं? एच को। आंसर देखिए तो आता है, आंसर इसके इसमें नन ऑफ दीज होना चाहिए। आंसर सच में एच है क्या, या ए और बी नहीं होना चाहिए? डी आंसर होना चाहिए। बोलिए भाई, या ये सोच रहे हैं सर बोले क्या गलत हो गया? तो आपको लिखवाए थे
रीअरेंजमेंट पॉइंट लिखवाया होगा, पक्का में लिखवाया होगा। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन किसका होता है? अल्कालियम का, अल्किनाइलियम, अल्काइनाइलियम और एसाइलियम, इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन नहीं करेंगे, करेक्ट ना? तो नीचे लिखिए रीजन में, नहीं वी नो दैट बट समटाइम्स वी फॉरगेट, ये मत लिखिएगा। वी नो दैट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन डज नॉट हैपन इन अल्किनाइलियम, अल्काइनाइलियम और एसाइलियम। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन किस में नहीं करेंगे? अल्किनाइलियम, अल्काइनाइलियम या एसाइलियम में नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर, वजह यहाँ देखिए आप, एक मिनट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आप यहाँ से H को माइग्रेट कर रहे हैं यहाँ देखिएगा, ये लिख लिया ना, और नहीं भी लिखे तो डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। H को माइग्रेट कर रहे हैं फॉर व्हाट? दैट ताकि आपको ज़्यादा हाइपर कंजुगल मिल जाए, राइट? ये तो कुछ ऐसा ही हो रहा है कि IIT छोड़कर सर NIT मुझे अच्छा लग रहा है, IIT में कंप्यूटर साइंस, IIT कानपुर का या बॉम्बे का छोड़कर सर यहाँ ही बगल में है, पढ़ लेते हैं NIT में, ये कुछ ऐसा कुछ लग रहा है सिचुएशन नहीं भाई? यहाँ पे था वो स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस से, राइट? तो हम लोग इसका ऑक्सीजन के लोन पेयर का प्लस एम को छोड़कर हाइपर कंजुगेशन की तरफ जा रहे हैं, दिस इज द वजह, कुछ तो रीजन होगा। तो दिस कार्बोकैटायन ऑलरेडी स्टेबलाइज बाई, दिस कार्बोकैटायन ऑलरेडी स्टेबलाइज बाई प्लस एम ऑफ ऑक्सीजन, इज इट करेक्ट? तो जहाँ पे रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन का हम लोग कंपेरिजन होगा तो किसके तरफ ज़्यादा जाएंगे? रेजोनेंस के तरफ जाएंगे, समझ में आया? दिस इज द रीजन कि देयर इज नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इन एसाइलियम। इसको सी कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन पे जो पोटी जा रहा था इसको बोलते हैं एसाइलियम। कौन सा कटायन? एसाइलियम कार्बोकैटायन। सबको क्लियर ना स्टूडेंट? दिस इज द वजह कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे, यहाँ नहीं बाकी रिएक्शन के टाइम पर भी नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 240, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 240 खोल लीजिएगा पेज नंबर 132 में, जो क्वेश्चन मैं डिस्कशन का अभी यहां पे ले रहा हूं वो दोबारा नहीं लूंगा डिस्कशन में, क्योंकि मुझे याद रहेगा कौन कौन सा डिस्कस कर दिया हूं और आपको भी याद रहेगा। और ये पता है ना कि नेक्स्ट फ्राइडे को रेजोनेंस का डिस्कशन क्लास लेंगे, तो जितना भी क्वेश्चन आपका, दो असाइनमेंट है ना, एक डिकेशन का एक और दिए थे, डिकेशन का भी एक और दिए थे, राइट? जितना भी प्रॉब्लम है सब नोट करके रख लीजिएगा, मैं एक लाइन से उसको डिस्कस करते चला जाऊँगा, बट होपफुली 1 से 183 सारा क्वेश्चन तो नहीं डिस्कस करना पड़ेगा, सारा करना पड़ेगा ऐसा? मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आता हूँ, क्योंकि ब्लैंक सोचता हूँ कि अच्छा एक से लेकर, बट 1 से 183 में मेरे माइंड में है कि मुझे 80 प्रॉब्लम तक डिस्कस करना पड़ेगा, इतना मैक्सिमम डाउट हो सकता है। इससे ज़्यादा अगर डाउट निकल रहा मतलब बैच के बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और घर पे सो ज़्यादा रहे हैं। अब आप लोगों को ऐसा सोने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, स्कूल में एकदम वीडियो ऑन करके अटेंडेंस रहता है, नहीं वीडियो ऑफ रहता है या ऑन रहता है? लेकिन एक कल 11th के बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या बताएं, हम लोग को तो ऑन करने के लिए बोलते हैं कि ऑन करके रखो प्रॉपर यूनिफॉर्म में, नहीं तो अटेंडेंस नहीं मिलेगा। चलिए तो बेस्ट है, ये बहुत बड़ी, इसका मतलब वो लोग सपोर्टिव हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए वो सब, देखिए आप टीचर बनिएगा ना मैदान, वो सब टीचर का फंडामेंटल राइट है, वो भी ले लीजिएगा तो क्या होगा, बेचारा फैमिली से झगड़ा हो गया अब कहाँ गुस्सा निकाले, कुछ तो बोलेगा चिल्लाएगा तो थोड़ा गुस्सा शांत होगा। अब ये मेरे ऊपर मत कर दीजिएगा कि सर अच्छा आपके साथ भी हो रहा है, समटाइम्स इंसान ही है, कोई भगवान तो है नहीं, तो टीचर का एक फंडामेंटल राइट हो गया है
कि कुछ नहीं है तो चलो भाई सामने बच्चे हैं उसको भी दो बात डांट देते हैं, ऐसे जनरली इंसल्ट करने के लिए। मेरा तो मेन इंटेंशन रहता है बच्चे को अगर डांटने से थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई कर ले इस वजह से, अब डांटने का कोई मतलब ही नहीं है, देर इज़ नो एनी पर्सनल इशू। एक बार पढ़ के निकल गए IIT पहुँच गए तो सबसे ज़्यादा तारीफ मैं ही करूँगा ये भी मान लीजिए, और सबसे ज़्यादा आपको पेरेंट्स भी प्राउड करेंगे, खुद भी आप कीजिएगा, बट उससे ज़्यादा एक टीचर का प्राउड सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, वो मेरा अलग लेवल का हैप्पीनेस हो जाएगा आपके लिए, एक प्राउड फीलिंग कि मेरा ये स्टूडेंट थे IIT की है। बजाय 2 साल देखते हैं एकदम कितना हम लोग टच में हैं, आप नो डाउट पैसा दे के ही पढ़ रहे हैं कैटलिस्ट में, बट एक इमोशनल बॉन्डिंग हो जाता है राइट, हम लोग एक एक दिन जीते हैं साथ में सुबह से लेकर शाम तक करेक्ट, कि हाँ आज क्लास हो रहा है कल क्लास हो रहा है, तो बहुत बड़ा बॉन्डिंग बनता है 2 साल। चलिए इसी बात पे ये बनाइएगा तो और भी अच्छा लगेगा। रीअरेंजमेंट का मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर? रीअरेंजमेंट का मेन पॉइंट ऑफ व्यू था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्राइन राइट। और एक मिनट, कार्बोक्राइन क्या है? इंटरमीडिएट है ना, तो इंटरमीडिएट ऑलवेज इंटरमीडिएट बनकर रहेगा, और अगर कार्बोकटाइन है अब बगल में पाई क्लाउड है, कार्बोकटाइन है और बगल में पाई क्लाउड है, तो वहाँ पे कार्बोकटाइन और पाई क्लाउड के बीच में अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो नहीं रहता कि यहाँ से यहाँ पे तो इवन इफ इट इज 3 डिग्री कार्बोकटाइन राइट, ये कितना डिग्री? 3 डिग्री, और हाउ मेनी हाइपरक्लोरीन? 3, 3, 6, 2, 8। बट अब यहाँ पे स्टूडेंट ये तो पता है ना कि बेंजीन रिंग है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर इस कार्बन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन देना हो, इस पाई क्लाउड से यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन देना हो, इस कार्बन से देंगे या इस कार्बन से? अगर नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो किस कार्बन से? कार्बन नंबर 2 से देंगे या कार्बन नंबर 1 से? वन से देंगे, नॉट 2। बजा ये रिजोनेंस करेगा भाई, तो रिजोनेंस करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे ज़्यादा रहेगा राइट। तो अगर ये देगा तो देगा तो कहीं से सपोर्ट भी तो मिलेगा। और लास्टली आपको कार्बोकटायन यहाँ पे बनाना हो और यहाँ पे बनाना हो, कहाँ पे बनाना पसंद करेंगे? लेस स्टेबल कार्बोकटायन बनाना पसंद करेंगे या मोर स्टेबल जानबूझ के? उतना छोड़े, लास्ट ऑप्शन, मार्कोवनी का रूल क्या था? लेस सब्स्टिट्यूटेड पे इलेक्ट्रोफाइल, मोर सब्स्टिट्यूटेड पे न्यूक्लियोफाइल, इज इट करेक्ट? तो अगर यहां से अल्कीन है तो अल्कीन में क्या होगा एडिशन? तो जानबूझ के अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अल्कीन भी है और इलेक्ट्रोफाइल भी है, तो इलेक्ट्रोफाइल को कहां प्लेस करेंगे? लेस सब्स्टिट्यूट पे। बट दिमाग में क्या चलेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। तो यहाँ पे कार्बोकटाइन अगर बनता है तो दैट कार्बोकटाइन स्टेबलाइज बाई प्लस एम एज वेल एज हाइपर कंजुक्शन राइट। और वो कार्बन 3 डिग्री रहेगा, कितना डिग्री? 3 डिग्री। तो एक्चुअल में अब नहीं लगता सर ये तो बिल्कुल अनयूजुअल केस है, ये भी तो रिअरेंजमेंट हो रहा है करेक्ट ना, और 1 का बॉन्डिंग किसके साथ बना रहे? बट इस रिअरेंजमेंट में रिजोनेंस का भी हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 1 से इस पर अटैक करेंगे करेक्ट। तो कार्बन नंबर 1 का बॉन्डिंग किसके साथ होगा? यस, नहीं लूज कर रहा है, कहां लूज कर रहा है? बस रेजोनेंस बता रहा था कि देखिए रेजोनेंस करेगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, लूज नहीं करेगा बट रेजोनेंस तो करेगा। तो 1 का बॉन्डिंग किसके साथ? 1 का बॉन्डिंग 5 के साथ करेक्ट। ये है मेरा कार्बन नंबर 5, ये है 1, ये है 2, और कार्बन नंबर 5 पे क्या रहेगा? CH3 करेक्ट, 2, 3, 4। तो देखिए अब यहां देखिएगा, दिस कार्बोकटाइन स्टेबलाइज बाय, और एक कार्बोकटाइन से दूसरा कार्बोकटाइन बनना, 1 अल्काइल से दूसरा अल्काइल बनना, 1 अल्काइलियम कार्बोकटाइन से दूसरा अल्काइलियम, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन राइट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सर, आपने तो बताया था कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन बगल वाले कार्बन से होता है, तो भाई अभी भी मैं उसी बात पे हूँ। यहाँ पे कोई माइग्रेशन नहीं हुआ है, कोई यहाँ पे ग्रुप आया है या जस्ट इसका इसके साथ एडिशन हो गया, यहाँ से कोई यस एडिशन हो गया, इट इज कह सकते सर इट इज काइंड ऑफ रिएक्शन, इट इज काइंड ऑफ व्हाट रिएक्शन। तो ये नहीं लिंक से थोड़ा हटकर हो गया, तो थोड़ा क्वेश्चन बनाते बनाते भी आपको दिमाग चलेगा। और लास्ट में ऑप्शन तो दिया हुआ था, एक मिनट शुभांकर, लास्ट में ऑप्शन में भी तो देखेंगे कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी तो कभी हम लोग सोचेंगे। हाँ बोलिए। नहीं आवाज़ तो मैं सुन रहा हूँ, नहीं आवाज़ मेरे पास आते भी तो रहता है, आवाज़ ठीक है, ब्रेक नहीं कर रहा है। चलिए तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन शुड बी दिस वन, और इस कार्बोकटायन से इस कार्बोकटायन का बनना, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट, बट रीअरेंजमेंट कम है और रिएक्शन ज़्यादा है। तो देखिए तो ऑप्शन में ये आता है, मुझे लगता है ऑप्शन शुड बी दिस वन, करेक्ट करेक्ट ऑप्शन शुड बी ए। तो नहीं था कि थोड़ा सा ए, हाँ लेकिन ऑप्शन में से जो ऑप्शन ज़्यादा स्टेबल है, बट वो बना कैसे वो तो भी तो सोचना पड़ेगा, मैकेनिज्म ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट, हाउ इट इज फॉर्म्ड। नहीं इसलिए पता चलेगा कि एक कार्बोकटायन ए है, अगर सर आपको मिलता तो क्या करते थे, बिल्कुल मैं सोचता, तो मैं थोड़ा ज़्यादा इसलिए सोच पा रहा हूँ क्योंकि मैं रिएक्शन भी देखा हूँ। तो भाई ये तो कैरेक्टर ही है, आप लोग भी थोड़ा दिन के बाद एक दो महीना के बाद सोचना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर अल्किन है, अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अल्किन अपना पाई क्लाउड देगा ही देगा, ये अल्किन का नेचर है, ठीक है, क्या है अल्किन है, अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो अपना पाई क्लाउड डोनेट करेगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अल्किन है और साथ में बेंजीन भी है, तो ये ज़्यादा देगा ये ज़्यादा देगा, अब ये अगर अपना पाई क्लाउड डोनेट करता है एट द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, तो अल्किन का इलेक्ट्रॉन पाई क्लाउड डोनेटिंग पावर बेंजीन से बहुत ज़्यादा रहता है। दिस इज द वजह कि एक ही मॉलिक्यूल में अगर अल्किन भी है और बेंजीन भी है, कौन पाई क्लाउड डोनेट करेगा, अल्किन करेगा, करेक्ट। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं पहले ही एक्सेप्ट कर लिया कि दिस क्वेश्चन इज नॉट प्योरली द फ्रॉम द रिएजमेंट ऑफ कार्बोकटायन, दिस क्वेश्चन बिलोंग टू रिएक्शन पार्ट, ओके। तो अब यहाँ पे अब अल्कीन में कौन से कार्बन से देगा, तो अल्कीन में कौन से कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दिस इज नोन एज मार्कोवनिकोफ रूल, राइट, और कुछ नहीं, तो इतना तो पक्का रटे होंगे, लेस सब्स्टिट्यूटेड पे इलेक्ट्रोफाइल, राइट, और मोर सब्स्टिट्यूटेड पे न्यूक्लियोफाइल, बट न्यूक्लियोफाइल तो अभी दिखाई नहीं है, तो सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल ले जाकर रेस्ट कीजिए, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से, यहाँ से दीजिएगा इस यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये है, राइट, इसलिए मैंने इस कार्बन से दिया, तो ये रिएजमेंट कम और रिएक्शन ज़्यादा है, इज इट करेक्ट। और लास्टली भाई आपको पहला फर्स्ट टाइम है, धीरे धीरे तो सीखिएगा, अचानक से क्या सोचते हैं हम लोग, 10-15 साल हो गया बनाते बनाते और सोचते हैं कि नहीं एक ही बार में वहाँ पर शिफ्ट कर जाए, पहले इसमें आपको देखना पड़ेगा, पहले रॉन्ग होगा फिर इस पर सोचिएगा, बैठ कर सोचना पड़ता है, राइट। चलिए तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट के साथ मैं आज का क्लास को कार्बोकटायन को बाइंड अप करने जा रहा हूँ, ठीक है, दिशा, हाँ ले मार्कोवनिकोफ रूल ये था कि कोई अल्किन है ना, और इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी है, तो इलेक्ट्रोफाइल को लेस सब्स्टिट्यूटेड पे, ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखिए, और न्यूक्लियोफाइल को, लेकिन इसके पीछे का मेन जैसे होता नहीं, आप कुछ बोल रहे हो बैक ऑफ द माइंड कुछ और चल रहा है, तो मार्कोवनिकोफ रूल के पीछे मेन सेंस था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, क्या था,
अब इस पे हम लोग बाद में बहुत बात करेंगे, अभी के लिए रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं है। लिखिए, दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बोकैटायन, हेटरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। शॉर्टकट में लिखिएगा HBDE। हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन का मतलब समझते हैं ना, हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन ऑफ द पार्टनर लेके चला जाता है, राइट। तो अगर यहाँ पे हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन होना है तो कौन, क्या लगता है, अगर हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन होगा तो क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा या कार्बन? ऑब्वियसली क्लोरीन। और यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में कितने, कौन सा बॉन्ड है सर? सिंगल बॉन्ड, राइट। एंड दिस बॉन्ड इज, देखिए कैसे आप फंस जाइएगा, आप तो बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए बॉन्ड ऑर्डर की तरफ देखना चाहेंगे। बॉन्ड ऑर्डर देखिएगा तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर वन, बॉन्ड ऑर्डर वन। उसके बाद आप सोचे, अच्छा राकेश सर ने तो ये भी तो पढ़ाया था कि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ आवर वाइटल, इज इट करेक्ट? ये बात भी आपको हेल्प नहीं करेगा, बजाय दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp3 एंड 3p, राइट। एंड दिस सिग्मा बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp3 एंड 3p। सब लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो क्या इन दोनों कॉन्सेप्ट से आप इसमें कौन सा बॉन्ड वीक है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, क्या आंसर दे पाएंगे? नहीं आंसर दे पाएंगे, राइट। चलिए अब यहां से आंसर आपको मिल जाएगा। इंटरमीडिएट क्या होता है? तो सर रिएक्शन के ड्यूरेशन में बनता है, राइट। बोले कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल? बी वाला, बजाय दिस वन इज मोर स्टेबल, यस मोर हाई, दिस वन इज मोर स्टेबल एंड दिस वन इज लेस स्टेबल, इज इट करेक्ट? हाँ, मैंने अभी एक हेडिंग बनाया, देखिए क्या लिखा हुआ है, नजर बॉन्ड, यस यहां तक आ गए। और उसको समझाने के लिए मैं दो एग्जांपल लिया, बस इतना ही बात कर रहा हूं। और उसके बाद मैंने बोला है कि देखिए यहां पे इसका बॉन्ड ऑर्डर वन, बॉन्ड ऑर्डर वन, तो बॉन्ड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्ट्रेंथ का आंसर नहीं दे पाएंगे। दूसरा मैंने ये भी पढ़ाया था कि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ आवर वाइटल, बट इस बात से भी यहाँ पे आंसर नहीं हो पाएगा क्योंकि दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड टू ओवरलैपिंग ऑफ sp3 एंड 3p, sp3 3p, इज इट करेक्ट? और फिर भी इन दोनों बॉन्ड का स्ट्रेंथ निकालना है कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग कौन सा वीक। तो एक्चुअल में यहाँ से अगर यहाँ हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन होता है तो एक कार्बोकैटायन बनेगा और यहाँ पे ब्रेक होता है तो वो बनेगा। तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन और 3 डिग्री, इसमें 2 डिग्री में दिस वन इज मोर स्टेबल, दिस वन इज लेस स्टेबल, तो किसका बनने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, कौन ज्यादा बनना चाहेगा? बी ज्यादा बनना चाहेगा, वजह क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। अरे बनने का अगर पॉसिबिलिटी का बात किया जाए तो इन दोनों में किसका पॉसिबिलिटी बनने का ज्यादा रहेगा? इसका पॉसिबिलिटी बनने का ज्यादा रहेगा, वजह इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, इसमें कम एनर्जी चाहिए, इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज्यादा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम, इज इट करेक्ट? पहला क्लास में तो पढ़ाए थे, दैट्स व्हाई। तो ओके सर, इसका बनने का टेंडेंसी अगर ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये बॉन्ड थोड़ा वीक रहा होगा, वो भी ऐसी बात है, इसमें कम एनर्जी देना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा देना पड़ेगा, करेक्ट ना? किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा बोलूँगा, इस कार्बोकैटायन और इस कार्बोकैटायन में किस कार्बोकैटायन का बनने का चांस ज़्यादा अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन? सर इसका बनने का चांस ज़्यादा, इसका बनने का चांस कम, करेक्ट? इसका बनने का चांस ज्यादा, इसका मतलब इसका टूटने का चांस ज्यादा? बोलिए भाई, हाँ ना,
बस 2 मिनट का और टाइम लूँगा। इसका ब्रेक होने का चांस ज़्यादा, इसका मतलब इसका स्ट्रेंथ कम, इसका ब्रेक होने का चांस कम मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा। इसका मतलब इसी को अगर कॉन्सेप्ट बनाना हो तो क्या ये बोल सकते हैं, हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन इनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस कार्बोकैटायन, इज इट करेक्ट? क्योंकि हेट्रोलिटिक का डिसोसिएशन होगा तो कार्बोकैटायन तो पक्का बनेगा ही बनेगा, इज इट करेक्ट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हेट्रोलिटिक होता है तो 90% चांस में तो कार्बोकैटायन पक्का बनेगा। तो इसको एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए मेरी तरफ से। हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन इनर्जी, इसी का दूसरा नाम बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस्ड कार्बोकैटायन, समझ गया? तो इस पे अगर क्वेश्चन मिलेगा तो बन जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें और इसमें, इस कार्बन क्लोरीन और इस कार्बन क्लोरीन में किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, ए ग्रेटर देन बी, हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसको मैंने इंडिकेट किया, करेक्ट? हो गया ना, इसको हटाएं। एक और एग्जांपल देख लीजिए। ए बी सी में कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ, ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर, ए ग्रेटर देन, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ सी का रहेगा, नहीं क्योंकि सबसे कम स्टेबल कार्बोकैटायन सी का ही रहे, राइट? एक्सेप्शनल नेचर था वहाँ पे, बताए थे ना 9 हाइपरक्लोरिन डोमिनेट हो जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसका रहेगा, सी का। उसके बाद बताए थे कि यहाँ पे अगर कोई दूसरा हेल्प करने आएगा तब वो 9 हाइपरक्लोरिन पे डोमिनेट कर जाएगा, ये भी बताए थे, राइट? इस कटाइन में यहाँ पे जो कटाइन बनेगा उसको रेजोनेंस भी होगा और 3 हाइपर कंजुगल, तब अगर रेजोनेंस के साथ साथ कोई सपोर्टिव आ जाएगा तो हाइपर कंजुगल वाला फैक्टर पे डोमिनेट कर जाएगा, करेक्ट? दैट्स वाई एक सी के बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका रहेगा, बी का, सबसे कम किसका रहेगा, ए का। मेरा तो आंसर ये है, और आंसर मैंने जस्ट किसका आंसर को उल्टा दे दिया, मैंने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन निकाला और उसका जस्ट उल्टा क्या रहेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इज इट करेक्ट? तो इस पे अगर क्वेश्चन, अभी आप इस पार्ट को बनाना मत बनाइए क्योंकि अभी ऑलरेडी प्रोजेक्ट मिला हुआ है, मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट का एक साथ आपको नंबर लिखवाऊंगा कि यहाँ से यहाँ तक बनाना है, ठीक है? लेट मी फिनिश, पहले मुझे ख़त्म करने दीजिए, आज के लिए इतना ही।